जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। प्यारे साथियों, इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 39वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 38 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, उनका प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आपके आगे आने वाले पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। इस क्लास का यदि आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर एक में लिखा कि 10,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज की प्रतिशत दर क्या होगी, वह राशि 3 वर्ष में 13,310 रुपए हो जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एक तो मूलधन दिया है और एक हमें यहाँ पर मिश्र धन दिया है। तो जब कभी आपको क्वेश्चन में मूलधन दिया जाए और मिश्र धन दिया जाए, आपको मूलधन को लिखना है 10,000 रुपये और उसके बाद में मिश्र धन को लिखना है 13,310। अब क्या करना है, जितना समय आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, जैसे 3 वर्ष हमें समय दिया गया, तो इस 10,000 पर भी आप 3 घात की करनी लगाओ और यहाँ पर 1331 जीरो पर भी 3 घात की करनी लगाओ। हम चाहें तो ये 0 से 0 दोनों में काट सकते हैं। अब यहाँ 3 घात की करनी दोनों पे लगाओगे, यानी जितना समय रहे, 2 वर्ष रहे तो 2 घात की करनी लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है कि 3 घात की करनी मतलब घनमूल है, तो 1000 किसका घन होता है, तो 10 का क्यूब होता है और 1331 11 का क्यूब होता है। दर निकालने के लिए क्या करोगे, इस प्रकार से 10 मूलधन का रेशियो है और मिश्र धन का रेशियो 11 बना, तो यहां से आप क्या करो, ब्याज निकाल लो। ब्याज कितना बनेगा, 10 पर 1 ब्याज लगा तो ये 11 बना, तो ब्याज का यूनिट आया 1। अब दर निकालना है तो आप क्या करो, इस 1 को प्रतिशत में बदल दो। किसके साथ प्रतिशत में बदलोगे, तो मूलधन वाले रेशो के साथ। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा और 1 का गुणा 10 से करेंगे तो 10% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा की पावर 2। ए की पावर 2 मतलब ए क्या होगी, इसकी भुजा होगी। तो हम जानते हैं कि हमें 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल लाना है और भुजा का मान अपने को दिया, तो भुजा की पावर 2 करना है और √3/4 से √3/4 दोनों रेशियो में कट जाएगा। तो जब कभी आपको क्वेश्चन में भुजाओं का रेशियो मिल जाए और क्षेत्रफलों का रेशियो आपसे पूछा जाए, तो आप डायरेक्ट क्या करो, जो भुजाओं का रेशियो है उनका वर्ग कर दो, 1 का वर्ग = 2 का वर्ग। तो आपके पास क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पर एरिया का रेशियो यानी क्षेत्रफल का रेशियो हो जाएगा 1:4। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 मीटर लंबाई, 8 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। तो ये क्वेश्चन है, याद रखना, घनाभ का। घनाभ में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। और जब कभी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी जाए और अधिकतम लंबाई की छड़ आपसे पूछे, तो आप लोगों को ऐसे में घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला लगाना है। घनाभ का विकर्ण और फॉर्मूला घनाभ के विकर्ण का होता है, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में लंबाई भी दी गई है, लंबाई कितनी दी गई है, रूट के अंदर लिखना है, लंबाई का वर्ग मतलब 6 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का वर्ग मतलब 8 का स्क्वायर होगा और प्लस ऊंचाई का वर्ग मतलब 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा विकर्ण। अब यहाँ पर ये वर्ग करेंगे हम लोग इस संख्याओं का, तो 6 का वर्ग 36 होता है प्लस 8 का वर्ग 64 होता है और प्लस 20 का वर्ग 400 होता है। इस प्रकार यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो रूट के अंदर हमारे पास 500 बनेगा। अब 500 का करनी हटाना है
हम करणी के अंदर इसको लिख सकते हैं 100 × 5। 100 × 5 करने पर 500 होता है, और हम जानते हैं कि 100 किसका वर्ग होता है, तो 10 का वर्ग होता है। तो और करणी के अंदर क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा, 5 का करणी नहीं हटेगा, तो 10√5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 78,000 रुपये का 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% दर आपको दी गई है। प्रति वर्ष की दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो आपको कैसी भी दर दे दे, कैसा भी समय दे दे, अगर साधारण ब्याज लाना है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो सिंपली आपको आता होगा, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में 100 करोगे तो आपके पास साधारण ब्याज आ जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में मूलधन दिया है 78,000, 78,000 मूलधन है, और दर की यदि बात करें तो ये सही बटे को तोड़ेंगे, 3 × 18 और 2 = 20, और 20/3% दर हो जाएगी। दर की जगह हमें लिखना होगा 20/3 और गुणा समय, हमें क्वेश्चन में दिया है 9 माह, 9 माह दिया गया। महीने को वर्ष में बदलोगे तो 12 का भाग लगा दो, और हम बटे में क्या भी करते हैं, 100 भी करते हैं, तो वो भी लिखेंगे, तो हमारे पास साधारण ब्याज आ जाएगा। यहाँ पर बटे में ये 2 जीरो से, ये वाले 2 जीरो कोई से भी काट दो, 3 से काटेंगे 9 को तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और 3 से 12 को काटेंगे 3 × 12, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार कट जाएगा, और 2 से हम लोग यहाँ पर 7800 को काटेंगे, 2 × 6 = 2 × 18 और 0 0, यानी 3900 रुपये क्या आ जाएगा हमारे पास, साधारण ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, एक शहर की जनसंख्या हर साल 8% बढ़ जाती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या आपको दी गई है तो 2 साल पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, तो इसे करने के लिए 2 साल पहले की जनसंख्या x मानो, और x पर हर साल 8% की वृद्धि हुई, तो x का 108% निकालो, और कितनी बार निकालोगे, 2 बार, और बराबर 2 साल बाद की जनसंख्या आपको वर्तमान में बताई गई है 14,580। सिंपली यहाँ से x का मान लेके आओ तो 14,580, और ये भाग का 100 इधर गुणे में जाएगा, फिर से भाग का 100 गुणे में जाएगा, और ये गुणे वाले मल्टीप्लिकेशन से ये नंबर इधर आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, यानी 108 भी डिवाइड में आ जाएगा और 108 भी डिवाइड में जाएगा। आप क्या करोगे, इनको काटोगे, इन सबको जब डिवाइड करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, 2 साल पहले की जनसंख्या आ जाएगी 12,500, और 12,500 ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यदि बात करें तो वेरी मोस्ट और IMP क्वेश्चन है, एक नौका की गति धारा के साथ और प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति कितनी होगी। मतलब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताया, नौका मतलब नाव होता है, और नाव की धारा के विपरीत चाल भी बताई और धारा की दिशा में चाल भी बताई, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है धारा की गति बताओ। तो जब कभी आपको धारा की गति लाना हो तो धारा की गति ये होता है कि धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल, अगर आपको मिल जाए तो दोनों को घटाओ, मतलब 14 में से हम सीधा 8 को घटाओ और बटे में 2 करो, तो धारा की गति हमारे पास आ जाएगी, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, 6 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास 2 × 6 यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सरलीकरण का एक क्वेश्चन दिया है और ये किसके बराबर होगा, क्वेश्चन ने ऐसा पूछा है। तो जब कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो बटे के ऊपर वाली वैल्यू को अलग से सोल्व कर लो, नीचे वाली वैल्यू को अलग सोल्व कर लो। तो बटे के ऊपर में क्या लिखा है हमारे पास, 3/5, उसके बाद लिखा है माइनस का 1/5, और फिर लिखा है ऑफ, और ऑफ के बाद में लिखा है 1/5। तो सबसे पहले यहाँ वी बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग ऑफ को सोल्व करो, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या करोगे, 3/5 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और 5 का गुणा 5 से करेंगे 25 आएगा। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे 5 और 25 का, तो 25 लघुत्तम होगा, 5 का भाग 25 में 5 बार जाएगा, और 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 5 × 3 = 15, माइनस से माइनस लगाओ, और 25 से कम 25 और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार 15 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 14 बचेगा, और 14/25। तो जब इस क्वेश्चन को हमने बटे के ऊपर सोल्व किया तो हमारे पास कितना आया, यहाँ पर 14/25 निकल कर आया। इसी प्रकार क्या करेंगे हम, जो बटे के नीचे वाली वैल्यू इसको साइड में लिख के सोल्व कर लेंगे, 3/5, फिर लिखा है ऑफ,
और उसके बाद में लिखा है 1/5 और प्लस का साइन लगाए फिर से 1/5 लिखा। तो यहाँ भी सबसे पहले ऑफ की बारी आएगी वी बोर्ड मास के अनुसार। ऑफ का मतलब गुणा लगाओ, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा और 5 गुणा 5 करोगे 25 हो जाएगा। आगे प्लस का साइन लगाए और यहाँ पर लिखा है कि 1/5 आ गया। अब यहाँ पर जोड़ना है 25 और 5 का LCM हो जाएगा 25। 25 का भाग 25 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 आएगा प्लस 25 होता है 5 का भाग 25 में 5 बार गया, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 एकम हो जाएगा 5। 5 में 3 को जोड़ा तो 8 हो जाएगा और 8 बटे कितना आएगा 25। तो जब बटे के नीचे इसे हमने सोल्व किया तो हमारे पास निकला सीधा 8 बटे कितना 25 हमारे पास निकला। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकते हैं 14/25 फिर लगा है भाग और उसके बाद में लिखा है 8 बटे कितना आया 25। तो इसे सॉल्व करने के लिए होता क्या है, 14/25 ऐसा ही आएगा और जब 4 संख्या एक दूसरे के बटे में होती है तो ये वाले जो भाग है एक फ्रैक्शन के बटे वाला भाग गुणा बन जाता है और ये वाला नीचे वाला फ्रैक्शन पलट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 25/8। इसे सॉल्व करने के लिए 25 से 25 कटा, 2 से 14 को काटेंगे 7 बार कट हो जाएगा और 2 चुकू 8 हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास 7/4 इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि और चौड़ाई में 5% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार का टाइप में कई वीडियो में बता चुका हूं लेकिन फिर से समझो, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग सीधा से कंसेप्ट यूज करना ±x + −y। कोष्टक में इसे बंद किया, प्लस का साइन लगाया हमेशा, फिर लिखा x * y और बटे में 100, इसे अलग से कोष्टक में बंद करो। x का मान पहले वाला मान होगा जैसे 5% वृद्धि कमी जो भी होता है और y का मान बाद वाला मान होगा वृद्धि कमी जो भी होता है। अगर वृद्धि हुई है x या y के मान में तो पॉजिटिव लिखो और कमी हुई है तो नेगेटिव लिखो। तो x का मान 5% की वृद्धि शुरू में है तो प्लस का 5 आएगा। फिर बोला गया 5% की कमी हुई मतलब दूसरी बार कमी हुई, माइनस का 5 लिखो और यहाँ पर कोष्टक बंद और प्लस का साइन। x * y तो x का मान 5 है और y का मान -5 होगा और बटे में आ जाएगा 100। सिंपली क्या करो, प्लस माइनस ये तो 0 हो गया, इधर से कोई मतलब नहीं है, 5 का गुणा -5 से होगा तो -25 आएगा और बटे में क्या आ जाएगा 100। अब बटे में 100 है तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा दो तो 0.25 बनेगा, चिन्ह माइनस का आएगा और ये प्रतिशत में आपका क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी का प्रतिशत आ जाएगा। यदि ये माइनस का आता है फाइनल वैल्यू तो हमेशा कमी होती है और अगर प्लस का आता तो वृद्धि होती, इसलिए 0.25% की क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक घन का आयतन 512 cm³ है, इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए आपको घन का आयतन इसका फॉर्मूला आना चाहिए। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है a का क्यूब, ए क्या होगी यहाँ पर घन की भुजा होगी और इस प्रकार क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठ बताओ। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a² होता है, मतलब यहाँ पर हमें आयतन दिया है और संपूर्ण पृष्ठ पूछा है तो हमें यहाँ पर सबसे पहले इसकी भुजा निकालना होगा। तो आयतन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आयतन की जगह लिखेंगे 512 और 512 बराबर हो जाएगा a का क्यूब। तो यहाँ से a का मान लाओ जिससे इसकी भुजा आ जाएगी, तो इधर से यदि ये क्यूब हटेगा तो दूसरी साइड लगेगा क्यूब रूट, 512 पर लगेगा क्यूब रूट। तो यहाँ पर a का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 512 का क्यूब रूट हटाएंगे तो 8 आ जाएगा क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512। तो a का मान हमारे पास 8 आ चुका है। क्वेश्चन में पूछा इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ तो फॉर्मूला होता है 6a², तो 6 × a² मतलब a का मान 8 आया तो 8 की पावर कितना करेंगे 2। तो हम जानते हैं 6 × 8² = 64 और 64 × 6 करो, 6 × 6 = 24 हो जाएगा, कैरी 2 और 6 × 6 = 36 और 2 होता है 38। इस प्रकार इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 384 cm², बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी मोस्ट और IMP क्वेश्चन है। मान लीजिए x और y ऐसी दो धनात्मक संख्याएं हैं कि जब x में 2 कम किया जाता है और y में 2 की वृद्धि की जाती है तो इन दोनों का अनुपात 2:1 हो जाता है।
और जब एक्स में दो की वृद्धि की जाती है और वाई में दो की कमी की जाती है तो इन दोनों का अनुपात 3:1 हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक्स माइनस वाई के बराबर होगी? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस देखने में हमें बड़ा लग रहा है। क्वेश्चन अनुसार क्या कहा जा रहा है कि एक्स में दो कम किया जाता है। शुरू में एक इक्वेशन बनाएंगे, एक्स में दो कम किया जाता है तो एक्स में से दो घटाया और बटे में लिखो वाई का मान। वाई में दो की वृद्धि की जाती है, मतलब वाई के मान में दो की वृद्धि मतलब जोड़ देंगे, और बराबर में जो रेशो है वो बोल रहा है कि 2:1 हो जाता है, मतलब लिखेंगे 2/1। इसका क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहले एक का गुणा एक्स माइनस दो से करेंगे तो एक्स माइनस दो आएगा और बराबर दो का गुणा वाई से करेंगे 2y और प्लस 2×2=4 हो जाएगा। इसका समीकरण बनाने के लिए क्या करोगे, एक्स माइनस प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा और बराबर में 4 और माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। इस प्रकार फाइनली समीकरण बनेगा एक्स माइनस 2y और बराबर में 6 हो जाएगा। एक समीकरण इसे मान लो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे चलेंगे तो क्वेश्चन ने ये बोला जब एक्स में 2 की वृद्धि हो जाए तो एक्स में 2 जोड़ दो, और बोला जा रहा है वाई में 2 की कमी हो जाए तो नया रेशो बराबर लिख दो, 3:1 हो जाता है, मतलब 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स प्लस दो बराबर 3 का इधर गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे तो 3y और माइनस 3 दूनी होता है 6। फिर से यहाँ पर एक्स और वाई को एक साइड करेंगे तो एक्स माइनस 3y और यहाँ बराबर माइनस का 6 प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2। पर फाइनली जो समीकरण बनेगा एक्स माइनस 3y और बराबर में माइनस का 6 और माइनस का 2 -8 हो जाएगा। इनको इस प्रकार से लिख लिया। अब दोनों समीकरण को हम लोग एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। क्या है, पहला समीकरण एक्स माइनस 2y और बराबर में है 6, फिर लिखा है एक्स माइनस 3y और बराबर में माइनस का 8 करेंगे। इसके क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसके चिन्ह बदल लेंगे। जैसे ये यहाँ प्लस का 1 से तो माइनस लगा लो, माइनस का 3y प्लस का 3y हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस 1 से तो कट जाएगा और प्लस का 3y और माइनस का 2y चला जाएगा तो 1y बचेगा बराबर। और यहाँ पर प्लस का 8 हो गया, प्लस का 6, 8 6 होता है 14, तो y का मान कितना आया हमारे पास, 14 आया। अब y का मान या तो आप समीकरण एक में रख दो या फिर समीकरण दो में रख दो, तो मैं क्या करता हूँ y का मान समीकरण एक में रख देता हूँ। तो यहाँ पर y की जगह हम कितना लिखेंगे, 14। समीकरण एक जो लिखा है वो लिखा है x माइनस 2 × वाई का मान लिखा है यहाँ पर हमारे पास 14, और उसके बाद में बराबर में लिखा है 6। सिंपली क्या करेंगे, एक्स माइनस 14 × 28, माइनस का 28 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 6+28 हो जाएगा। सिंपली एक्स का मान लाने के लिए इन दोनों को जोड़ लो, 8 × 6 = 14 × 4 = 1, 2 और 1 हो जाएगा 3, यानी 34 एक्स का मान आएगा। आगे यदि बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, एक्स माइनस वाई का मान पूछा है, तो एक्स के मान में से वाई का मान घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा, एक्स का मान 34 है माइनस वाई का मान कितना आया हमारे पास, 14 आया, तो हमारा सही जवाब निकल कर आ जाएगा 20। 20 ऑप्शन नंबर आपको एक में मिल जाएगा। तो ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10, जो आपको आगे आने वाली एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। प्यारे साथियों, इस क्लास की यदि आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।